Hello student, I hope you all are doing good. Welcome to the law classes by Shivani. So guys, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए अपेयर होने वाले हैं. देखिए, राजस्थान जुडिशियल सर्विस में मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस आपका सेम रहता है. वहाँ पे माइनर एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे कि आपने सिलेबस देखा होगा, 30 मार्क्स आपका हिंदी एंड इंग्लिश है प्रीलिम्स में एंड 70 मार्क्स दैट इज़ ऑफ लॉ. वहाँ पे आपके माइनर एक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं वहाँ पे. और जहाँ तक है, मेरे पास काफ़ी क्वेरी आई है स्टूडेंट की, माइनर एक्ट्स उन लोगों को मिल नहीं रहा है कि वो कहाँ से पढ़ें. सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक अप दी माइनर एक्ट्स. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. आइए अब हम लोग पढ़ते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. मेरी पेडागॉजी ये रहेगी इन एक्ट्स के लिए कि हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ेंगे, आराम से स्लोली पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है. एंड यू जस्ट डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि आपके ये सारे एक्ट्स मैं टाइमली कवर करा दूँ. चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ दैट कि आप अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए. जैसे जैसे मैं आपको बताती चली जाऊँगी, जस्ट अंडरलाइन इट. वहाँ पे आप बेयर एक्ट पे मार्क करिए, वहीं पे नोट डाउन करिए. और वट एवर इफ़ यू वांट, देन जस्ट टेक आउट एक ब्लैंक शीट A4 साइज़ का पेपर, वहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन करिए. ठीक है, साथ ही साथ कवर करते चलिए. एंड जिनके पास बेयर एक्ट नहीं है, यू जस्ट डोंट वरी, बिकॉज सून आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो जहाँ पे मैं आपको माइनर एक्ट्स पे स्पेसिफिकली ऐसी बेयर एक्ट्स बताने वाली हूँ कि उन एक्ट्स के साथ साथ MCQs हैं. आपके राजस्थान में जो सिलेबस है माइनर एक्ट्स का, वो सारी एक्ट्स मैं बताऊंगी कि साथ में आपके MCQs भी कवर हो जाएंगे. यहाँ तक कि प्रीलिम्स के लिए आप कौन सी बुक रेफ़र करें, मेंस की गाइड कौन सी रेफ़र करें, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द RJS. सच अ फैंटास्टिक मूव हैज़ बीन मेड बाय द पब्लिशर फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के बेनिफिट के लिए. सो बहुत ही जल्दी वो वीडियो आने वाला है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. सो वॉट डज द प्रीएम्बल ऑफ दिस एक्ट सेज? एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड पॉर्नोग्राफी एंड प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल फॉर सच ऑफेंसेस एंड द मैटर्स. प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि ये जो आपका एक्ट है, ये चिल्ड्रन को किन किन ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करता है. अगर चाइल्ड के अगेंस्ट कोई भी सेक्शुअल असॉल्ट का केस हुआ है, कोई भी सेक्शुअल हैरेसमेंट हुआ है, जस्ट मार्क इट सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड पॉर्नोग्राफी, तो आपका मैटर पॉक्सो के अंदर डील किया जाएगा. और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स जो हैं एस्टैब्लिश किए जाएंगे फॉर इट्स ट्रायल. सो बेसिकली ये जो एक्ट है आपका, स्टार्टिंग में प्रीएम्बल बता देता है आपका कि व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ ऑफेंस ओवर हियर, राइट? सो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो सो इट्स अ प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, इट्स अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट, जहाँ पे विक्टिम आपका चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. सो नेचर ऑफ ऑफेंस भी हमने यहाँ पे समझ लिया, सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड पॉर्नोग्राफी. इसके बाद ये देखते हैं कि ये एक्ट अपनी वैलिडिटी कहाँ से डिराइव करता है. देखिए, जो प्रीएम्बल है ना इस एक्ट का, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं आराम से आपको प्रीएम्बल पहले पढ़ा रही हूँ, बिकॉज डायरेक्टली अगर आप सेक्शंस पे जंप करेंगे सो देर इज़ नो यूज़, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, राइट? सो आगे ये है कि इसमें वेयर एज क्लॉज 3 ऑफ द 15 आर्टिकल इंटर आलिया एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द चिल्ड्रन एंड वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सीडेड ऑन 11 दिसंबर 1992 टू द कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द UN विच हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड बाई ऑल स्टेट पार्टीज इन सिक्योरिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. सो बेसिकली ये एक्ट अपनी वैलिडिटी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से डिराइव करता है. सिंस वी आर सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन, सो वी हैव टू लाइक मेक सच एक्ट्स, वी हैव टू फुलफिल आर कमिटमेंट्स. अगर हम सिग्नेटरी हैं तो यह हमारा ऑब्लिगेशन हो जाता है हमारे ऊपर. सो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड. आपका प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. सो एवरीवन, आईज ऑन द बेयर एक्ट, रीडिंग फर्दर. वेयर इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड हिज और हर राइट टू प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड
by every person by all means and through all stages of a judicial process involving the child. मतलब कि हर एक स्टेज पे, चाहे वो इंक्वायरी के स्टेज, इन्वेस्टिगेशन और द ट्रायल स्टेज, चाइल्ड आइडेंटिटी शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड. क्या आप सबको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 याद है? वहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था आईपीसी में, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, सेक्शन 228A ऑफ आईपीसी. इट टॉक्स अबाउट द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम अगेंस्ट हुम एनी सेक्शुअल ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, राइट? और अगर किसी भी तरीके से वुमेन की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी जाती है, देन इट इज़ पनिशेबल अंडर द सेम. सो बेसिकली दीज आर वेरी सेंसिटिव इशूज, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड. उसका नाम किसी भी तरीके से, कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए. मीडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशंस होती हैं. इवन जे एक्ट में गाइस, कोई भी क्राइम रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, जहाँ पे चाइल्ड आपका अक्यूज्ड है, इट शुड नॉट बी केप्ट. तो इतना मैटर को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है. Coming back to the Bare Act, where it is imperative that the law operates in a manner that the best interest and the well-being of the child are regarded as being of the paramount importance at every stage to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child. मतलब कि यहाँ पे counseling sessions जो हैं provide किए जाएंगे, because that child is need of care and protection too, right? Moving on, where is the state? Parties to the Convention on the Rights of the Child are required to undertake all the appropriate national, bilateral and the multilateral measures to prevent what? The inducement or the coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity, exploitative use of the children in the prostitution and other unlawful sexual practices, the exploitative use of the children in pornographic performance. तो बेसिकली फ्रॉम हेयर वी डिराइव दिस कि ये एक्ट आपका प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स भी प्रोवाइड करता है. मतलब बच्चे को आपको प्रोटेक्ट तो करना ही करना है फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बट आपको कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने हैं कि वो जो ऑफेंस है वो कमिट ना हो अगेंस्ट द चिल्ड्रेन. सो यहाँ पे जो आपका पहला क्लॉज है, ए इंड्यूसमेंट ऑफ द कोर्शन ऑफ द चाइल्ड टू इंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए आईटी एक्ट सेक्शन 67B. आईटी एक्ट 67B कहता है कि पनिशमेंट फॉर द पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग द मटेरियल डिपिक्टिंग द चिल्ड्रन इन सेक्सुअल एक्टिविटी एक्सप्लिसिटली एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. बेसिकली वो तो आपका सिर्फ लिमिटेड है इलेक्ट्रिक फॉर्म तक ही. देखिए बच्चों का बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ भी होता है प्रोस्टिट्यूशन में, सो स्टेट शुड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग इन टू द प्रोस्टिट्यूशन, कोई भी अनलॉफुल सेक्शुअल प्रैक्टिस. सो वी शुड लाइक कम अप विद ऑल दोज अप्रोप्रिएट नेशनल या फिर बाइलेटरल या फिर किसी भी तरीके से कोई भी मल्टीलेटरल मेजर्स हो कि ये सब चीज़ें प्रिवेंट की जाएँ, ठीक है? एंड द सी क्लॉजेस इवन प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम गेटिंग इन टू द पॉर्नोग्राफी परफॉर्मेंसेस. स्पेशली आपका इस एक्ट में आगे है भी पॉर्नोग्राफी के ऊपर. Thereafter, wherever sexual exploitation and sexual abuse of the children are heinous crimes and they need to be effectively addressed. So, yahan pe we are done with the preamble. So, what have you like infer from the preamble? Basically, a general neutral act hai. IPC aapka, that is like against the female offences except section 377. Ye aapka स्पेशल लॉ है, जनरल न्यूट्रल लॉ है, सेक्सुअल ऑफेंसेस है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द रेप ओनली. हमने देखा यहाँ पे, यहाँ पे आपका सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पॉर्नोग्राफी भी इंक्लूड किया गया है. एंड इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, एक बहुत ही वाइडर लॉ है. स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट आप आगे देखेंगे कितनी ज़्यादा डेटरेंट है यहाँ पे चीज़ें. एंड वी हैव सीन फ्रॉम वेयर इट हैज़ डिराइव इट्स वैलिडिटी, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर इंटरनेशनल कमिटमेंट सिंस वी आर सिग्नेटरी टू इट, आपका ICCPR. उसके बाद ओवरऑल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें हर एक स्टेज पर ज़रूरी हैं, उसके हेल्थ के लिए, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट के लिए, एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. देयर आफ्टर स्टेट शुड इवन टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग इन टू एनी काइंड ऑफ लाइक प्रोस्टिट्यूशन, कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ हो रहा है अगर बच्चों का. एंड आपको यहाँ पे मैंने सेक्शन 67B भी बताया फॉर द क्लॉज ए इंड्यूसमेंट ऑफ द कोर्शन ऑफ द चाइल्ड टू इंगेज इन एनी लॉफुल सेक्शुअल एक्टिविटी. यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से आईडी एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी कंटेंट ऐसा जहाँ पे
in any sexual matter, any sexual content relating to the child is been published or is been transmitted, राइट तो वो आपका पनिशेबल है आपका 67B में, बट यहाँ पे आपका लिमिटेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है. सो गाइज हियर वी आर डन विद द प्रीएम्बल ऑफ द पॉक्सो. आई होप ये काफ़ी ज़्यादा एक मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करने की कोशिश करी, बिकॉज जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ेंगे ना ईच एंड एवरी लाइन उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो जब MCQs करने के टाइम आएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है. बाकी सेक्शंस तो ऑफ कोर्स या तो हमें करने ही पड़ेंगे, बट जैसे कि अगर पूछ लिया आपसे कौन सा आर्टिकल है 15 का, कौन सा सब क्लॉज है, और अगर आपने प्रीएम्बल ही नहीं पढ़ा होगा तो आपको क्या पता होगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट. इसलिए प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसे कवर कर लिया है. सो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी, मैं एक एक सेक्शन आपको इसका बहुत अच्छे से समझाऊंगी. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉ क्लासेस बाय शिवानी. सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.